हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो चले गए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और यहाँ पे मैं ग्रेट का बॉक्स जो यहाँ पे देख पा रहे हो, मैं पहले करके रखा हूँ, आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। ऊपर की तरफ जो 10 बॉक्स है और नीचे की तरफ 14 बॉक्स है। तो ये बॉक्स मैं पहले करके रखा हूँ, 2 सेंटीमीटर का हर एक बॉक्स का साइज है। तो 2 सेंटीमीटर का बॉक्स यहाँ पर मैं कर दिया हूँ। तो यहाँ पे जो मैं रेफरेंस का यूज़ करूँगा गाइस, तो यहाँ पे देख पा रहे हो ए वाला रेफरेंस का मैं यूज़ करूँगा। तो रेफरेंस फ़ोटो का लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर डाउनलोड करके ले लेना गाइस। और यहाँ पे जो मैं पेंसिल का यूज़ करूँगा वो है मैकेनिक पेंसिल जो कि 0.5 है। तो आपके पास अगर HB पेंसिल है वो भी आप लोग यूज़ कर सकते हो, क्योंकि हमारा जो आउटलाइन होगा वो लाइट हम लोगों को करना होगा, बहुत ही डीप एंड डार्क नहीं करना पड़ेगा आउटलाइन को, तो हल्का सा करना होगा, इसलिए मैं ये वाला मैकेनिक पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ गाइस। तो आउटलाइन को स्टार्ट करते हैं गाइस। और ये वाला वीडियो पे आप लोगों को सिर्फ मैं शिव जी का जो आउटलाइन है वो ही करके दिखा रहा हूँ, ग्रेट मेथड का यूज़ करते हुए। तो ग्रेट मेथड का जो बॉक्स है गाइस वो आप लोगों को नहीं करके दिखाया। आप लोग अगर चाहते हो कि ग्रेट मेथड का जो बॉक्स है आप लोग किस तरह से खींचोगे, तो आप लोग रेफरेंस फ़ोटो डाउनलोड कर लेना। और एक A4 साइज पेज में आप लोगों को सिर्फ जितना बॉक्स रेफरेंस में आप लोगों को दिखाएगा वही आप लोगों को करना पड़ेगा। एक एक बॉक्स का जो साइज़ है गाइस 2x2, मतलब 2 सेंटीमीटर x 2 सेंटीमीटर का बॉक्स है एक एक बॉक्स। तो आप लोगों को सिर्फ फॉलो करना होगा रेफरेंस में जो कितना बॉक्स है वो सिर्फ आप लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। और A4 साइज़ में फ़िलहाल जो मैं ड्राॅइंग बना रहा हूँ A4 साइज़ का पेज में है ये वाला, तो A4 साइज़ में आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। अगर आप लोग A3 में करना चाहते हो वो भी आप लोग क्या कर सकते हो कि 2 सेंटीमीटर जो साइज़ है उसको आप लोग बड़ा करके 4 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर कर सकते हो। तो रेफरेंस को सिर्फ फॉलो करना और एक एक बॉक्स को ऑब्जर्व करके आप लोगों को सिर्फ आउटलाइन करना है। और अगर आप लोग नहीं जानते हो ग्रेट का जो बॉक्स है वो खींचना, तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो। मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए एक एक्स्ट्रा वीडियो लाने का जिसमें आप लोगों को मैं बॉक्स बनाने सिखाऊंगा, तो आप लोग नीचे ज़रूर कमेंट करके बताना गाइस। और यहाँ पे ग्रेट मेथड का जो मेन रूल्स होता है, कौन सी बॉक्स में ड्राॅइंग का किस पार्ट आता है और कितना परसेंटेज आता है एक एक बॉक्स में, वो आप लोगों को सिर्फ फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ जिस बॉक्स में जितना परसेंटेज है उसी का मैं फॉलो सिर्फ कर रहा हूँ। और बाद में मतलब लास्ट में आप लोग देखना आपका आउटलाइन कंप्लीट हो जा रहा है। तो बहुत ही इजी तरीका है ये आउटलाइन बनाने के लिए, ग्रेट मेथड बहुत ही इजी तरीका है गाइस। फ्री हैंड आउटलाइन करने में बहुत ही दिक्कत होता है, लेकिन आप अगर ग्रेट मेथड का यूज़ करते हुए ड्राइंग को करते हो तो बहुत ही इजी हो जाता है गाइस। और रियलिस्टिक ड्राइंग बनाने के लिए आप लोगों को मैं रिकमेंड करूँगा कि ग्रेट मेथड का यूज़ करो। तो गाइस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप यहाँ तक वीडियो को देखे हो, मतलब आप लोगों को थोड़ा सा भी नॉलेज मेरे वीडियो देख के आप लोगों को पता चला है। तो अगर थोड़ा सा भी नॉलेज आप लोगों को मिला है ये वाला वीडियो से, तो वीडियो को एक लाइक कर देना और हो सके तो अपने फ्रेंड के साथ ये वाला वीडियो को शेयर करना, ताकि उसके पास भी इसी तरह का एक नॉलेजेबल वीडियो पहुँचे। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर देना गाइस। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि मैं ड्राइंग से रिलेटेड वीडियो छोड़ता रहता हूँ ये वाला चैनल पे। और फ्रेंड्स, आपको ये वाला ड्राइंग किस कलर में चाहिए आप अगर कमेंट करके बताते हो तो मुझे समझने में ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ, मैं अभी तक सोचा नहीं हूँ कि ये वाला ड्राइंग को मैं कौन सी कलर का यूज़ करते हुए बनाऊँगा। तो आप अगर नीचे कमेंट करके बताते हो तो मुझे बहुत ही इजी होगा। तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ कि कौन सी कलर में ये वाला वीडियो चाहिए आपको।